इन फील्ड्स का अपन यहाँ पे थोड़ा कलरफुल कर देते हैं, ठीक है? आएगा। अब इसमें आपको ऊपर नाम वगैरह देना है, तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे डिजाइन व्यू में ले लेंगे, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखिए, अभी आपको ये सिर्फ ऊपर ये नाम दिख रहा है और बाकी सभी इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही, तो इसका साइज आप थोड़ा सा क्या कर लेंगे, यहाँ पे बड़ा कर देंगे इस टाइप से, ठीक है? देखिए आ गया आपके, ये हेडर में है आपकी और ये नीचे आपकी फॉर्म इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ से आपको ये कलर वगैरह देना हो, ये बैकग्राउंड इमेज देनी हो, लोगो देना, तो यहाँ से सारी फॉर्मेटिंग क्या। अरे ये तो आपको फॉर्म व्यू में करेगा ना, जैसे आपने फर्स्ट फॉर्म बनाया था ना, डबल डबल फील्ड्स नेम्स होती है उस टाइप से है ये आपका। आप इसे राइट क्लिक करेंगे इस पर और फॉर्म व्यू देखेंगे। अरे किसमें कर दिया हमने, फॉर्म व्यू में किया है ना। देखिए अब इसमें नीचे इतने दूर दूर क्यों ले रहा है, क्योंकि अपन ने जब इसे डिजाइन व्यू में लिया था तो ये लाइन अपन ने दूर कर दी थी, ठीक है? जिसे मैं कंट्रोल जेड करते हैं, इस टाइप से था आपका, ठीक है? अब अपन क्या करेंगे, इसे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉर्म व्यू में लेंगे। देखिए पास पास तो क्या, ठीक है? तो अपन ने यहाँ से राइट क्लिक किया और इसे डिजाइन व्यू में लिया, तो यहाँ पे आपको सारी फील्ड्स मिल जाएंगे। आ जाएगा इतना, दो टाइप्स के आ गए आपको, कॉलम और टेबुलर। इसके बाद अपन इसे क्लोज कर देते हैं। अब अपन यहाँ पे थर्ड फॉर्म देखते हैं। थर्ड रहता है आपका इसमें, यहाँ पे सेलेक्टेड फील्ड करेंगे आपको जितनी भी लेनी हो, और यहाँ से नेक्स्ट। फिर यहाँ पे आपका डाटा सीट, डाटा सीट फॉर्म बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसे आपने ये टेबल बनाई है, सेम वैसा ही। और यहाँ पे अपन नेक्स्ट करेंगे, देन यहाँ पे फिनिश करेंगे। तो अपन यहाँ पे डाटा सीट दे दें, ये लिखा ये रहने देते हैं, ठीक है? आप समझ जाएंगे वैसे भी। तो देखिए आगे वही फील्ड सारी जैसे आपने टेबल ली थी, टेबल डिजाइन की हुई थी, सेम वैसे ही रहेंगे। इनका साइज आप छोटा कर सकते हैं, आप आपके अकॉर्डिंग। एक्सेल ये टेबल की थी ना आपने, इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन थी आपकी, लेकिन आपको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है, तो आप कॉलम वो फॉर्म के द्वारा डाटा सीट तैयार कर सकते हैं, ठीक है? तो आ जाएगा आप सभी को, ठीक है? तो अपन इसे भी क्लोज कर देते हैं सेव करके। अब अपन यहाँ पे लास्ट और करते हैं, क्या है आपका जस्टिफाइड। अपन यहाँ पे क्या करते हैं, फील्ड्स ले लेती है, जो भी आपको फील्ड्स लेनी है, देन यहाँ पे अपन नेक्स्ट करेंगे, फिर जस्टिफाइड, और फिर यहाँ पे अपन नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपन फिनिश कर देंगे। डॉट नहीं लेगा, सॉरी हमने डॉट लगा दिया इसमें, ठीक है? देखिए इसमें क्या होगी, आपके इस टाइप से एक के नीचे एक फील्ड आएंगी, एक के नीचे एक फील्ड, मतलब ये नेम है, नेम का फिर फादर है, फिर फादर का नेम ये, एक के नीचे एक आ गई सारी फील्ड। आपको इसमें कुछ चेंजेस करना, मतलब स्पेस कम ज्यादा करना, तो वो आप यहाँ पे अगर आप डिजाइन व्यू से करेंगे, देखिए आपको समझ नहीं आया कि क्या करना है इसमें, इसलिए हमने इसके स्पेस कम करने के लिए हमको आपको हमने बताया लेआउट व्यू, तो आप यहाँ से लेआउट व्यू से इसका स्पेस इस टाइप से ले सकते हैं। हाँ नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट किया, बटन दिए यहाँ पे नेक्स्ट किया जाए। अब इन सभी फील्ड्स को अपन थोड़ा मूव करके ऊपर रख लेते हैं, ठीक है? इस टाइप से। अब इसमें ये देखिए आप, कि आप ये नाम वाले जो फील्ड है इनको आप सेलेक्ट करेंगे, ये गलत वो हम बताएंगे, रुकिए, और इनको अपन थोड़ा कलर में कर देते हैं, ठीक है? इस टाइप से। अब यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर इस साइड आ रहा है आपका, और आईडी भी इसी साइड आ रही है, आपको ये सेंटर में लेना है, तो आप इन सभी फील्ड को कंट्रोल से सेलेक्ट करेंगे, देन आप बीच में लेना चाहते हैं तो बीच में सेलेक्ट कर लेंगे, और राइट साइड लेफ्ट साइड लेना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप इसे राइट क्लिक करेंगे और किसमें देखेंगे, फॉर्म व्यू में। तो देखिए आप आ गई, यहाँ पे आईडी के नीचे आईडी आ रही है, नेम के नीचे नेम आ रहा है, फादर नेम के नीचे फादर नेम आ रहा है, मोबाइल नंबर इस तरह, क्योंकि अपन ने जो फील्ड मूव की है ना, वो मोबाइल नंबर वाली जो फील्ड है वो मूव नहीं हो पाई है, आपकी सेलेक्ट नहीं हुई होगी तो वो मूव नहीं हो पाई है। देखिए अपन फिर से इस पर करके राइट क्लिक किया, अपन इसे लेआउट व्यू में लेते हैं, ये है मोबाइल नंबर की फील्ड ये वाली, तो इसको मूव करके अपन ने कहाँ रखना है, ऊपर रखना है, यहाँ मूव नहीं हो पा, मतलब वो सेलेक्ट नहीं हो पाई थी इसलिए वो नहीं ले रहा था,
अब अपन इसके करेंगे फॉर्म व्यू में, देखिए देखिए आ गया मोबाइल नंबर, नीचे मोबाइल नंबर अपन ने अभी अच्छे से सेट नहीं किया है, सिटी के नीचे सिटी, कोर्स के नीचे कोर्स, तो ये आपका क्या रहता है, जस्टिफाइड रहता है इस टाइप से। ठीक है, तो आ जाएगा आप सभी को, अपन इसे राइट क्लिक करते हैं, सेव करते हैं, इसे क्लोज करते हैं। तो आपके फॉर्म कितने टाइप्स के होती है, चार टाइप्स के। एग्जाम में पूछे तो आप लिख देंगे कौन कौन से होते हैं और उन्हें समझा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे टेबुलर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे किया है फॉर्म जनरेट। अब फॉर्म में जो है, जैसे कि उसमें आपने मदर नेम नहीं लिया, जैसे बाद में आपको फॉर्म में फील्ड ऐड करनी है तो कैसे करेंगे, फॉर्म में आपने इंफॉर्मेशन ले ली लेकिन उसमें आपको और भी जैसे कि पिन कोड ऐड करना हो या फिर मदर नेम ऐड करना हो या फिर कुछ और ऐड करना हो आपको, तो सबसे पहले ऐड करने के लिए आपको उसमें टेबल में ऐड करना पड़ेगी फील्ड। तो टेबल में आप दो टाइप से ऐड कर सकती हैं, फर्स्ट यहाँ पे रहता है, लास्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्लिक टू ऐड लिखा हुआ आ रहा है, इसके ड्रॉप डाउन ऊपर क्लिक करें। अगर आप नंबर वाला डाटा लेना चाहते तो नंबर सेलेक्ट करेंगे, टैक्स वाला लेना चाहते तो टैक्स ले लेंगे, जैसा भी आपको लेना हो। ठीक है, एक तो ये तरीका है, हम इसे डिलीट कर देते हैं। दूसरा है, आप इस टेबल, ये टेबल है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे आप डिजाइन व्यू, तो यहाँ पे आप लिख देंगे जो अपने फर्स्ट टाइम डिजाइन व्यू जो टाइप से आ जाए, दोनों टाइप्स हैं आपके पास, तो दोनों टाइप्स में से आपको जो भी इजी लगता है आप यहाँ से उस टाइप से फील्ड ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसे इस टाइप से ऐड कर लेते हैं यहाँ, जैसे कि हमें यहाँ पे क्या लेना, शॉर्ट टैक्स ले लेते हैं और हमें यहाँ पे फील्ड ऐड करना है, मान के चलिए अपन कौन सी ले लेते हैं, यहाँ मदर नेम ले लें क्या, पिन कोड ले लेते हैं। ठीक है, पिन कोड ले लिया, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सभी के पिन कोड लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन एड्रेस देख के लिखना है, ऐसा नहीं कि आप विदिशा का पिन कोड डाल दें यहाँ पे, विदिशा है तो विदिशा का डलेगा, भोपाल है तो भोपाल का डलेगा, रायसेन है तो रायसेन का डलेगा। जब तक हम विदिशा का डालते हैं, देखिए विदिशा का है 464001, फिर यहाँ पे भी क्या है, विदिशा यही है, फिर यहाँ पे 464001 हो जाएगा। क्या है, 6 4 6 ये नहीं है, 464551 ऐसा कुछ है कि रायसेन का है, ये 551 रायसेन का, हाँ 51 है लास्ट, तो अपन एक रायसेन का डालते हैं, ये है ना, रायसेन का था, याद है रायसेन एक ही जगह और यहाँ पे अब भोपाल है, तो आपने यहाँ पे कर ली, और यहाँ पे क्या है, यही है, तो अपन इसका अब यही कर देते हैं, 4 6 2 0 0 1 यही है। अब अपन इसे राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे सेव करेंगे। अब आपको ये फील्ड क्या करना है, फॉर्म में ले जानी है जो फॉर्म जनरेट किया था अपन ने। ठीक, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू करने के बाद यहाँ से आप सारी व्यू लेते थे लिस्ट, तो यहाँ पे देखिए आ गया पिन कोड, आप पिन कोड को मूव करके रखेंगे, कहाँ पे रखने हैं आप बताइए, सिटी के नीचे ही रख दें, तो अपन क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ, थोड़ा सा मूव करके नीचे रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतने में बन जाएगी वो, तो यहाँ पे रख दिया। अब ये आप इसको सेट करना पड़ेगा आपको, ठीक इस टाइप से। अब आपको ये सेम फॉर्मेटिंग लेनी है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपके पास ये फॉर्मेट है, यहाँ पे आपने ऑप्शन किया था फॉर्मेट पे एंटर, इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर देंगे, सेम फॉर्मेटिंग आ जाएगी, इस पर भी करना है तभी ग्रीन वाली फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करके इस पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखिए राइट क्लिक किया और फॉर्म भी हो तो आ गया पिन कोड, नेक्स्ट करेंगे सभी का आ जाएगा। विदिशा का 464001 है, ठीक है अपन सही है यहाँ पे, मतलब अपन ने यहाँ पे सारे पिन कोड भी ऐड कर दिए, सब कुछ ऐड कर दिया, तो आप ये ऐड कर लेंगे फिर, ठीक है, तो आप क्या करें